हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डेली के इंट्राडे स्टॉक्स के टारगेट्स देते हैं। तो आज के जो हमने आपको टारगेट्स दिए थे वो 100% सक्सेस रेट के साथ अचीव हुए। आई होप अगर आपने आज ट्रेड प्लान किया होगा तो जरूर प्रॉफिट अर्न किया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कल की, यानी कि 17 अगस्त 2023 के लिए जो पहला स्टॉक हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं वो है एंजल वन। एंजल वन 1773.45 का स्टॉक है और टॉप पर जाके इसने हमें डोजी टाइप कैंडल दिया है। यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है और वहां वहीं पर आकर मार्केट ने आज हमें एक डोजी कैंडल दिया है। 4 आवर्स के चार्ट पर अगर हम चलते हैं, देखिए डे के चार्ट पे अगर हम देखें तो ये जो कैंडल बनी है इसकी बॉडी काफी छोटी बनी है और इसकी जो वॉल्यूम है काफी हाई बनी है, लेकिन वॉल्यूम हाई होने के बावजूद भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी इसकी हमें मार्केट नहीं दे पाई है। और 4 आवर्स के चार्ट पे देखते हैं तो देखिए लास्ट जो कैंडल है हमें डाउन साइड मोमेंटम देती हुई बन रही है। यहाँ पर 1 आवर के चार्ट पे अगर हम स्विच करते हैं तो कंटिन्यूसली 3 घंटे मार्केट ने हमें डाउनसाइड का मोमेंटम दिया है। 15 मिनट्स के चार्ट पे हमें वॉल्यूम भी इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है, यानी कि मार्केट नीचे गिरना शुरू हो चुकी है, साथ के साथ वॉल्यूम भी बढ़ना शुरू हो चुकी है, यानी कि मार्केट जो है इसके नीचे गिरने में ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रही है। इसलिए ये आपको सेल साइड के लिए रिकमेंडेड होगा। इसका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा अराउंड 1754 के पास। 1754 हमारा टारगेट रह सकता है और एसएल रखना होगा। देखिए छोटी कैंडल्स भी बन रही है जैसे कि यहाँ पे बनी है, तो इसलिए यहाँ पे भी छोटी कैंडल बनी है, इसलिए हमें छोटा ही टारगेट रखना है। और हमारा एसएल जो रहेगा वो रहेगा अराउंड 1787 के पास। तो ये दो लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे। एंजल वन सेल साइड के लिए रिकमेंडेड। नेक्स्ट जो स्टॉक हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं वो है MPHASIS। ये 2314.35 का स्टॉक है और आज इसने हमें एक डाउन साइड का मोमेंटम वाली कैंडल दी है, लेकिन यहाँ से अगर हम देखें तो डे के चार्ट पे हमें एक छोटा सा अप ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अप ट्रेंड बन रहा है, साथ के साथ इसने आज अप ट्रेंड को इसके बेस को टच भी कर दिया है। 4 आवर्स के चार्ट पे अगर हम स्विच करते हैं तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने काफी अच्छा वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, मार्केट नीचे की तरफ गिरी भी है। 1 आवर के चार्ट पे हमें और क्लैरिटी मिलेगी कि मार्केट ने देखिए नीचे गिरने के बाद इस एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन को टच कर एक बुलिश कैंडल भी दे दी है। 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने वॉल्यूम भी इंक्रीज करी है, साथ में बुलिश मोमेंटम भी बन चुका है। तो यानी कि मार्केट एग्जैक्टली अपने सपोर्ट लाइन से सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है, इसलिए आपको बाय साइड भी रिकमेंडेड होगा। इसका जो टारगेट है वो रहेगा अराउंड 2343 के पास। 2343 इसमें हमारा टारगेट रह सकता है और इसका जो एसएल होगा वो हमें ट्रेंड लाइन के नीचे की साइड सेट करना होगा। इसको हम पहले यहाँ से मॉडिफाई कर लेते हैं। इसका जो एसएल है वो रहेगा अराउंड 2299। तो ये दो लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर। MPHASIS आपको बाय साइड में रिकमेंडेड है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स।